हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे संहिता अध्ययन को कैसे पढ़ें ताकि आपका बीएमएस फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पास हो जाओ, साथ ही साथ आपका इन फ्यूचर जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है और साथ में आपका एआईपीजीटी का एग्जाम होने वाला है, इन दोनों एग्जाम को आप बहुत अच्छे से पास कर सको, उसके लेकर के आज हम आपको बताएंगे कैसे स्टडी करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो रीडिंग स्ट्रेटजी है, इसे फर्स्ट पेज पर आप देख लीजिए। बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। बीएमएस फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान आपको पढ़ना है 1 से 15 चैप्टर तक, और चरक सूत्र स्थान पढ़ना है 1 से 12 चैप्टर तक। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना है हमारा जो नोट्स जो हमने आपको प्रोवाइड किया, उस नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। जो हमारी एप्लीकेशन है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, द आयुर्वेदिक क्लासेस के नाम से, उसको भी ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वहां पर टॉप फैकल्टी के द्वारा लेक्चर लिया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, बुक्स की बात करें तो कॉमन बुक्स आप अष्टांग हृदय के लिए हिंदी मीडियम में ब्रह्मानंद त्रिपाठी और इंग्लिश मीडियम में आर.एच. वैद्यनाथ की बुक यूज कर सकते हैं। चरक में बुक्स की यूज करने की बात करें तो काशीनाथ शास्त्री और शशि रेखा H.K. जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और काशीनाथ शास्त्री हिंदी वाले बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमारा जो नोट्स है जो हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उस नोट्स को आप स्टडी कर सकते हो दोस्तों। अब रीडिंग कैसे करनी है, ठीक है, आप अपना नोट्स प्रिपेयर करो या फिर हमारा जो नोट्स दिया जा रहा है उस नोट्स को टू द पॉइंट फॉलो करो, पहला। दूसरा, सलोका नोटबुक बनाओ, सलोका नोट्स बुक बनाओ, जैसे कि इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट श्लोक की बात करें तो 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं होगा, चरक और ये दोनों मिला करके अराउंड 100 इंपॉर्टेंट श्लोक है। उस श्लोक को आपको टिप एंड टंग कर लेनी है। टिप एंड टंग कैसे होगी, तो उसकी एक सलोका बुक बना लो, ठीक है, एक कॉपी खरीद लो 30-40 रुपए का, उसमें सलोका की नोट कर लो। अब आपको कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट कौन है, तो हम लोग हमारे जो फैकल्टी है वो आपको पढ़ाते हैं, वो बताते हैं, और भी और यूट्यूब पर भी हम लोग लोड करते रहते हैं इंपॉर्टेंट श्लोक की लेक्चर्स। तो लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट श्लोक की बता दी जाएगी। अगर आप सबकी डिमांड रही तो मैं एक कंप्लीट जो है श्लोकावली की नोटबुक के साथ एक लेक्चर भी आप सबका ले लूंगा। की पॉइंट बनाना है आपको, की पॉइंट जैसे कि किसी का टाइप बताया जा रहा है, कितने वेग का धारण करना है, कितने टाइप्स होते हैं, कितने लक्षण होते हैं, इस तरह से टाइप लक्षण ये सब नंबरिंग वाला जो पॉइंट्स है और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसको आप प्रिपेयर कर लो एमसीक्यू के लिए जो हमारी तरफ से बताया जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे कि अलग अलग बुक है जैसे ग्लोबल आयुर्वेदा है या फिर और भी कई सारे बुक्स हैं, उससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 से 7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, ये जो प्रिपेयर करोगे नोट्स और जो सलोका नोटबुक जो आप प्रिपेयर करोगे ये आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी काम आएगी और एआईपीजीटी में भी काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में भी और एआईपीजीटी में भी आपको काम आएगी। ठीक है, तो ये जरूर प्रिपेयर करना नोट्स और सलोका नोटबुक और की पॉइंट फॉर एमसीक्यू। ठीक है, अगर एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब समझ लीजिए बच्चों 1 से 15 चैप्टर तक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान और 1 से 12 चैप्टर तक चरक सूत्र स्थान। ठीक है, ये दोनों जब कंप्लीट हो जाए तो आपको कंपेरेटिव स्टडी करना है। जैसे इधर आए जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आयुष्कम्य अध्याय पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो वहां पर दीर्घजीवितीय अध्याय और दोनों को कंपेयर करना है कि इसमें क्या दिया है इसमें क्या दिया है, तो इससे क्या होगा आप जो है कंपेरेटिव स्टडी आप समझ सकोगे और आपको आसानी होगी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में फॉर द एआईपीजीटी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी करना है दोनों का, अष्टांग का और चरक सूत्र स्थान का। इस तरह से आपको पूरी चीजों को जब फॉलो करोगे तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आएंगे और इजिली, क्योंकि ये जो 5 से 7 साल का जो है जितने भी आपका 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इसमें से 80% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आती है। ठीक है दोस्तों, अब बस गई 20% क्वेश्चन जो आपकी किस्मत खराब है तो इधर उधर जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें तो एमसीक्यू की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन की सेट डाला हुआ है, उसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।